नमस्ते दोस्तों, आपने भूकंप के बारे में सुना ही होगा। भूकंप से जमीन कांप उठती है, इमारतें हिल जाती है और दिल तेजी से धड़कने लगता है। और आजकल हम अर्थक्वेक के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। तो क्या पृथ्वी पर अचानक अर्थक्वेक्स आना बढ़ गया है? क्या इसका ह्यूमन एक्टिविटीज से कोई कनेक्शन है? A large earthquake has struck Hawaii. आज चार बार भूकंप के झटके में Turkey has been hit by another earthquake. A 5.7 magnitude earthquake. Tremors felt in Delhi. तो हाल ही में इतने सारे भूकंप क्यों आए? पहले ये समझते हैं कि earthquakes या भूकंप आते कैसे हैं। इमेजिन कीजिए कि अर्थ की सरफेस एक बड़ा जिग्सो पजल यानी पहेली है। हर एक टुकड़ा जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है वो पिघलती हुई चट्टान की लेयर पर तैरती है जिसे मेंटल कहा जाता है। ये प्लेट्स पृथ्वी के अंदर हो रहे कन्वेक्शन करंट से ऑपरेट होकर कांस्टेंट मोशन में रहती है। कभी कभी वे एक दूसरे से टकराती है जिससे फ्रिक्शन और प्रेशर पैदा होता है। यानी हर वक्त ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव होती रहती है लेकिन हमें ये फील नहीं होता क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ही स्लो होती है। और जब ये मूवमेंट तेज होती है तब हमें महसूस होता है और हम उसे अर्थक्वेक कहते हैं। जहाँ दो प्लेट्स मिलती है उसे फॉल्ट लाइंस या फॉल्ट प्लेन कहते हैं। ये वीक जोन है जहाँ प्लेट्स के मूवमेंट से इवेंचुअली बहुत ज़्यादा दबाव बनता है जिससे प्लेटें अचानक एक दूसरे के साथ टकराती है और ये अचानक से रिलीज हुई एनर्जी अर्थक्वेक को ट्रिगर करती है। पृथ्वी के सरफेस 7 मेजर और 8 माइनर प्लेट्स के साथ दूसरे कई माइक्रो प्लेट्स में डिवाइडेड हैं। सबसे बड़ी प्लेट्स एंटार्कटिक, यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स हैं। इन प्लेट मूवमेंट्स के मेजर 3 प्रकार हैं, कन्वर्जेंट प्लेट्स, डाइवर्जेंट प्लेट्स और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। जब प्लेट्स टकराती हैं तो इसे कन्वर्जेंट प्लेट्स कहा जाता है। एक प्लेट दूसरी प्लेट को पुश करती है जिससे दूसरी प्लेट ऊपर उठती जाती है जिससे बड़े बड़े पहाड़ बनते हैं जिससे द हिमालयस और द एंडीज जैसे माउंटेन रेंजेस बने हैं। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से नज़दीक आती है तो ये कॉलिजन्स बड़े पैमाने पर भूकंप ला सकते हैं जिसे 2015 में नेपाल में भूकंप आया था। सबसे ज़्यादा और बड़े पैमाने पर भूकंप यही आते हैं। नेक्स्ट है डाइवर्जेंट प्लेट्स। जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो ये गैप बनाती है जिसे रिफ्ट कहते हैं जो मेंटल से पिघलती हुई चट्टान से भर जाती है जिससे नई ओशनिक क्रस्ट बनती है। ये मिड अटलांटिक रीज जैसी जगह पर देखा जाता है जहाँ आइसलैंड स्थित है। हालांकि यहाँ भूकंप छोटे होते हैं पर छोटे भूकंप भी मूवमेंट और वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स। जब प्लेट्स एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली स्लाइड या स्लिप होती है तो उसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स या स्ट्राइक स्लिप भी कहते हैं। ये कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट जैसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बना सकती है। ये फॉल्ट्स अक्सर फ्रीक्वेंट और शेलो अर्थक्वेक्स पैदा करता है जैसे 1994 में नॉर्थ रिज अर्थक्वेक। जब भूकंप आता है तो अलग अलग प्रकार की एनर्जी वेव्स जनरेट होती है। जिस जगह पे प्लेट टकराती है और जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। उसके वर्टिकल पृथ्वी के सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। भूकंप की एनर्जी वाइब्रेशन के रूप में आगे बढ़ती है और इस वाइब्रेशन की वेव्स को सिस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगे कहा जाता है और इस वेव को सिस्मोग्राफ जैसे टूल से मेजर किया जाता है। जबकि प्लेट मूवमेंट भूकंप का प्राइमरी कॉज है, दूसरे फैक्टर्स भी उन्हें ट्रिगर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्केनिक इरप्शन से जमीन खिसक सकती है और अंडरग्राउंड गुफाओं के कोलैप्स होने से भी झटके पैदा हो सकते हैं। भूकंप को रिक्टर स्केल पर मेजर किया जा सकता है। ये एक लॉगरिथमिक स्केल है जो रिलीज हुई एनर्जी को क्वांटिटी में मेजर करता है। स्केल पर हर एक होल नंबर में बड़ा वा ग्राउंड मोशन में 10 गुना ज़्यादा बड़ावे को रिप्रेजेंट करता है। रिक्टर स्केल पर 2 के मैग्नीट्यूड का हल्का सा झटका मुश्किल से ध्यान देने योग्य हो सकता है जबकि 8 या इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला बड़ा भूकंप बड़े पैमाने पर तबाही का कारण बन सकता है। इस इमेज में आप अलग अलग रिक्टर स्केल इफेक्ट्स देख सकते हैं। अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा भूकंप
22 में 1960 को चिली में लगभग 1000 माइल्स लंबे फोल्ट पर 9.5 मैग्नीट्यूड का था। अपने आप में ही एक मेगाक्वेक। कभी कभी भूकंप का इंपैक्ट सुनामी के रूप में हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकता है। सुनामी टर्म जैपनीज वर्ड सुनामी से लिया गया है, जिसका मतलब है हार्बर वेव। ज्यादातर सुनामी भूकंप के शक्तिशाली झटकों से पैदा होती है। पृथ्वी की जाइंट पजल पीसेस यानी टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराती है तो ये फिसलती है, तो ये इमेंस एनर्जी रिलीज करती है। ये एनर्जी ओशन फ्लोर में अचानक बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट का कारण बन सकती है, जो पानी के अंदर भूकंप की तरह काम कर सकती है। सबडक्शन जोन्स जहां एक प्लेट दूसरे के नीचे चली जाती है, वहां अपलिफ्ट बड़े पैमाने पर हो सकता है, जो पानी की दीवार को सरफेस की ओर धकेलता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सी फ्लोर में अचानक डाउन थ्रस्ट एक वैक्यूम इफेक्ट पैदा कर पानी को नीचे की ओर खींच सकती है और फिर इसे एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ रिलीज कर सकती है। ट्रिगर के बावजूद इनिशियल डिस्टरबेंस लंबी और लो एनर्जी वेव्स जनरेट करती है, जो सभी डायरेक्शंस में बाहर की ओर फैलती है। जैसे जैसे ये वेव्स शैलो कोस्टल वाटर्स के पास पहुंचती है, उनमें ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उनकी हाइट ड्रामेटिकली बढ़ जाती है, जबकि उनकी वेवलेंथ कम हो जाती है, जिससे टावरिंग जायंट्स बनते हैं, जिन्हें हम सुनामी के रूप में पहचानते हैं। 2007 में इंडोनेशिया में उठी सुनामी वेव्स ईस्ट अफ्रीका और मेडागास्कर के कोस्ट तक पहुंच गई थी। लेकिन रिसेंटली इतना ज़्यादा भूकंप क्यों आ रहे हैं? एक्चुअली ये सब परसेप्शन है। भूकंप आने की फ्रीक्वेंसी वही है जो पहले थी। हमारा ब्रेन हमारे साथ ट्रिक प्ले करता है। कॉन्स्टेंट न्यूज़ अपडेट्स और सोशल मीडिया पर आ रहे न्यूज़ के साथ हर ट्रेमर बड़ा महसूस होता है। पृथ्वी हर साल एवरेज 3 या उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले लगभग 50 से 60 हज़ार अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस करती है, जिसका मतलब है कि लगभग हर 10 मिनट में एक भूकंप का झटका आता है। इमेजिन कीजिए कि वर्षों पहले एक छोटे से भूकंप ने एक दूर के गांव को हिला कर रख दिया, पर इसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना होगा। और अब हर जगह एडवांस अर्थक्वेक सेंसर्स लगे हैं, इसलिए यहाँ तक कि सबसे छोटा सा ट्रीमर भी सेंसर में रिकॉर्ड हो जाता है और दुनिया भर में इंस्टेंटली रिपोर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि और ज़्यादा भूकंप आ रहे हैं, बात यह है कि अब उनको ज़्यादा अच्छे से डिटेक्ट किया जाने लगा है। और सोशल मीडिया की वजह से पूरी दुनिया कनेक्टेड है, इसलिए कहीं भी कुछ भी होता है तो थोड़ी ही देर में दुनिया के कोने कोने में पता चल जाता है। जैसे जापान में आए अर्थक्वेक की न्यूज़ कुछ ही मिनट में इंडिया में पहुंच जाती है, और रिसेंट टाइम्स में कुछ बड़े अर्थक्वेक्स ने ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया को हिट किया है और कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, इसलिए उनके बारे में ज़्यादा हेडलाइन बनी और हमें लगता है कि अर्थक्वेक अब ज़्यादा आने लगे हैं। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स स्लो मोशन डांस की तरह है, जो एक दूसरे से टकराती है और तनाव पैदा करती है। कभी कभी ये तनाव सिस्मिक एक्टिविटी के विस्फोट में रिलीज होती है। नेचुरली ये साइकिल्स फ्लक्चुएट होते हैं, इसलिए हम ज़्यादा भूकंप को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसके बाद शांत समय एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। साइंटिस्ट अभी भी एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करती है कि ग्लेशियर्स के पिघलने और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव के बीच एक पोटेंशियल लिंक है, जो फॉल्ट लाइंस पर प्रेशर डाल सकता है और भूकंप को ट्रिगर कर सकता है। अर्थक्वेक्स को परफेक्शन के साथ प्रेडिक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। फिर भी अर्थक्वेक फोरकास्ट को इम्प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटली सोफिस्टिकेटेड टूल्स और टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं। सिस्मिक मॉनिटरिंग नेटवर्क्स ग्राउंड मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं और पास्ट अर्थक्वेक्स के स्टडीज से पैटर्न्स और पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। कई केसेस में अर्थक्वेक के लोकेशन को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, लेकिन इंसिडेंट का समय अभी तक प्रिडिक्टेबल नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये भी पॉसिबल हो सके। हालांकि हम अर्थक्वेक्स को रोक नहीं सकते, लेकिन हम उनके इम्पैक्ट के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। अर्थक्वेक सेफ्टी के बारे में खुद को एजुकेट करना, ड्रिल्स कंडक्ट करना और अर्थक्वेक प्रोन जोन्स में बिल्डिंग्स को मजबूत करना
डैमेज को कम करने और जीवन बचाने के लिए क्रूशियल स्टेप्स हैं। हम अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बनाने पर फोकस कर सकते हैं ताकि हम नुकसान को कम कर सकें, क्योंकि ज़्यादातर मौतें बिल्डिंग्स के वीक स्ट्रक्चर और फर्नीचर गिरने से होती है। इसलिए बिल्डिंग कोड डेवलप हो रहे हैं जिससे स्ट्रक्चर ज़्यादा रेजिलिएंट और स्ट्रॉन्ग बन रही है, और कम्युनिटीज शांत रहकर जमीन हिलने पर तुरंत रिएक्ट करने के लिए अर्थक्वेक ड्रिल्स प्रैक्टिस करके प्रिपेयर हो रहे हैं। अर्थ हमेशा से ही एक शेकी प्लेनेट रहा है। सॉल्यूशन ये है कि हम इन्फॉर्म्ड रहें, प्रिपेयर्ड रहें और याद रखें कि ट्रेमर्स के बीच भी हमारे रेजिलियंस को दिखाएं और एक दूसरे की मदद करते रहें, और एक ऐसा फ्यूचर बनाए जहाँ अर्थक्वेक इनेविटेबल होते हुए भी हमारे जीवन को तबाह न कर सके। हम हाल के भूकंप से सभी पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपको अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको हमारा